हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके बच्चों के स्वेटर में बनाने के लिए लाए हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन पैटर्न। ट्रेन बेबी सेट आप कैसे बना सकते हैं इसको आपको हम आज बताएंगे। तो चलिए आपको डिजाइन पैटर्न बताते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पर हमें 3 कलर चाहिए होंगे। एक तो हमारा ये बेस कलर, और ट्रेन बनाने के लिए थोड़े थोड़े से ऊल आपको लेने होंगे। तो चलिए आपको 2 कलर और उसमें ले लेते हैं, रेड और ग्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो है हमने 25 फंदे लिए हुए हैं। तो ये जो ट्रेन बनेगा तो इसमें 13 फंदों में ये ट्रेन बनेगा। तो 6 फंदे इधर, 6 फंदे इधर हमने गैप के लिए रखे हैं, बीच में 13 फंदे में ट्रेन बनाएंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले ये जो है 6 फंदे हम इसको हम ऐसे सीधा बुन लेते हैं। 1 स्लिप करेंगे, 2 3 4 5। देखिए 5 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड कलर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने 6 फंदे इधर के बुने हैं। अब हम यहाँ पर 1 फंदा जो है वाइट कलर से और बुन लेते हैं। फिर यहाँ पर ये 1 फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये ग्रीन कलर से बुना। अब इसके बाद हमें 3 फंदे जो हैं वाइट से बुने, 1 2 3। इसके बाद यहाँ 1 फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे। फिर अगेन 3 फंदे हमें वाइट से बुने, 1 2 3। फिर 1 फंदा हमें ग्रीन से बुनना है। देखिए इसके बाद हमारे जो बचे हुए फंदे हैं इन सभी को हम ऐसे वाइट कलर से बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है। फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, इस फंदे को हम वाइट फंदे को हम ग्रीन से ऐसे बुनेंगे, ठीक ना। और फिर इस जो ग्रीन से बुना हुआ है इसे वाइट से बुनेंगे, फिर हम ग्रीन से बुनेंगे, इसके बाद देखिए फिर वाइट से बुनेंगे, इसके बाद हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर ये वाइट से बुनेंगे, फिर देखिए हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर इसको हम वाइट से बुनेंगे, फिर इसे हम ग्रीन से बुनेंगे, इसको हम वाइट से बुन लेंगे, ठीक। इसके बाद हम ग्रीन से ऐसे बुनेंगे। अब देखिए हमारे हैं यहाँ टोटल 5 फंदे, तो इसको हम देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने बुन लिया। अब यहाँ देखिए हमारा ये थर्ड रो आ गया, ठीक फ्रेंड्स। देखिए थर्ड रो आ गया है। अब हम जैसे हमने ये फर्स्ट रो बुना था ना, वैसे ही थर्ड रो को बुनना है। पहले हम देखिए 1 स्लिप करेंगे, 4 फंदे ये सीधे बुनेंगे। अब यहाँ हमें देखिए क्या करना है, ये जो ग्रीन से बुना है ना इसको हम वाइट से बुनेंगे। तो धागे को पहले इधर ऐसे क्रॉस टाइप कर देंगे तो यहाँ जाली नहीं पड़ता है। तो देखिए 1 ऐसे बुनेंगे, फिर इसके बाद ये वाइट बुनेंगे, ठीक। सॉरी इसको वाइट बुनना है। देखिए ये ग्रीन को वाइट बुनेंगे। अब हम ये जो वाइट वाला है इसे ग्रीन में बुनेंगे। फिर 1 2 3 फंदे हम वाइट बुनेंगे, 1 ग्रीन बुनेंगे, फिर अगेन 3 फंदे वाइट बुनेंगे, 1 ग्रीन बुनेंगे,
फिर देखिए ये जितने फंदे हैं सभी को हम वाइट कर देंगे ऐसे। ये जो है थर्ड रो है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फोर रो है और ये रॉन्ग साइड है। अब यहाँ पर हमें जो है थर्ड कलर भी ऐड करना है इस रो में है, ठीक ना। देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमें बुन लेने हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम जो है मैरून कलर, यहाँ पर आपके पास जो भी कलर हो तो ट्रेन के लिए आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मैरून कलर लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने बुन। तो फ्रेंड 12 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ हम वाइट कलर से बुनेंगे, ठीक ना। देखिए 1 2 3 4 5 देखिए हमने वाइट कलर से बुना। अब हमारा ये आ गया है फिफ्थ रो राइट साइड। अब इसको भी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से ये 5 फंदे हमारे जो हैं वाइट के, तो वाइट ही बुने जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए ऐसे क्रॉस करके और इसके बाद ये मैरून से हम अगेन बुनेंगे। ये 12 फंदे हैं ना, तो हमें 13 फंदे भी बुनने हैं। तो देखिए ये हम 1 फंदा आए इधर जाके हम एक्स्ट्रा यहाँ बुनेंगे। तो ये 12 फंदे, पहले 12 फंदे हम बुन लेते हैं, फिर इसके बाद देखिए ये 13 फंदे। और अब हमारे जो हैं वाइट कलर से ये बुने जाएंगे। देखिए देखिए ये 5वीं सिलाई है, इसे हम ऐसे सीधा बुनते हुए ये कंप्लीट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 6ठी सिलाई 6 रो है रॉन्ग साइड। अब इसको ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और वाइट के जितने भी फंदे हैं हमको ऐसे बुन लेने हैं, वाइट वाले जो फंदे हैं हमारे हैं। देखिए वाइट के हमने बुन लिए। अब हम 2 फंदे जो हैं मैरून वाले बुनेंगे, ठीक ना। देखिए 1 2 फंदे मैरून से बुना। अब यहाँ पर हम 2 फंदे वाइट से बुनेंगे, 1 2। इसके बाद हमारे जो ये मैरून के फंदे हैं ना इनको बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हमें जो है अब वाइट वाला ये बुन लेना है। जो हमारे 5 फंदे हैं इनको हम वाइट से ऐसे बुन लेंगे। तो देखिए हमारा ये 6 रो कंप्लीट हो गया। अब 7th रो में हम आ गए हैं फ्रेंड्स, 7th रो राइट से। तो देखिए 7th रो आपको सेम जैसे बुना गया है 6 रो ऐसे ही बुनना है। पहले वाइट से ये 5 फंदे हम बुन लेंगे। इसके बाद देखिए क्रॉस करके उनको ऐसे और ही हम मैरून कलर बुनेंगे। ये 9 फंदे हमारे थे ना, पहले हम मैरून से 9 फंदे बुनेंगे। ये 7वीं सिलाई है। अब देखिए ये वाइट वाला से वाइट हम बुनेंगे, ठीक ना। देखिए इसको वाइट से वाइट बुनेंगे और फिर ये मैरून से 2 फंदे हमारे हैं तो ये मैरून से इसे बुन लेंगे। फिर इसके बाद वाइट से हमारे फंदे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6
सेवन। तो हमारे ये सेवंथ रो कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा ये एट रो है रॉन्ग साइड, आठवीं सिलाई है। फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे और पूरी रो को इस तरह देखिए, पहले ये वाइट वाला हम बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये एट रो है रॉन्ग साइड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हम इसको बुन लेते हैं और जो मैरून का है ना, इसमें भी हम वन फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। फिर इसके बाद ये मैरून से बुनेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट फंदे बुनेंगे, फिर वन फंदा वाइट से बुनेंगे, फिर वन फंदा देखिए मैरून से बुनना है, फिर वन फंदा वाइट से बुनना है, फिर वन फंदा मैरून से बुनना है, देखिए इस तरीके से। फिर इसके बाद जो हमारे फाइव फंदे हैं ना, इन्हें हम वाइट से बुन लेंगे। तो एट रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए एट रो कंप्लीट हो गया है, अब ये नाइन्थ रो है और राइट साइड है, ठीक ना। तो फ्रेंड देखिए नवीं सिलाई है और ये फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और ये फोर फंदे बुनेंगे वाइट से। फिर यहाँ पर देखिए ऐसे मैरून से वन फंदा बुनेंगे, फिर अगेन वाइट फंदा बुनेंगे, फिर देखिए मैरून से वन फंदा बुनेंगे, फिर ये वाइट फंदा बुनेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद ये टू फंदे हम मैरून से बुनेंगे, वन टू। फिर यहाँ पर हमें थ्री फंदे देखिए वाइट से बुनेंगे, वन टू थ्री। फिर यहाँ पर टू फंदा हमें वन टू मैरून से बुनना है, ये टू फंदा मैरून से बुनना है। अब इसके बाद हमें सभी फंदे हमारे वाइट कलर से ऐसे बुन के कंप्लीट करेंगे। ये नौवीं सिलाई है, नाइन्थ रो है राइट साइड। देखिए इसके बाद ये टेंथ रो है रॉन्ग साइड, दसवीं सिलाई है उल्टी साइड। अब यहाँ देखिए फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, जो वाइट से बुना हुआ फंदा है इसे हम वाइट से बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टू फंदे हैं ना, इन्हें हम ऐसे टू फंदे हम बुन लेंगे। इसके बाद फाइव फंदे देखिए, वन नहीं सॉरी वन टू थ्री, थ्री फंदे हम इसे बुनेंगे वाइट से। अब यहाँ सिक्स फंदे हमें मैरून से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फंदे हमने मैरून से बुना। अब इसके बाद हमें जो हमारे बचे हुए फंदे वाइट के हैं वो वाइट से बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए हमारा टेन रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं एलेवंथ रो में। तो ये फाइव फंदे हमें बुन लेने हैं, थ्री फोर फाइव। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से हमारे डिजाइन पैटर्न स्टार्ट हो गए। अब यहाँ देखिए हमने क्रॉस करके धागे को, तो हमने टू फंदे मैरून से बुनना है, फिर इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फंदे हमने वाइट से बुना। अब ये टू फंदे हमें मैरून से बुनना है, देखिए वन टू। फिर इसके बाद ये फंदे हमें सभी मैरून से ऐसे बुन लेने हैं। तो फ्रेंड देखिए ये
हमारा जो है 11th रो कंप्लीट हो गया है। अब ये 12th रो है, रॉन्ग साइड है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा रॉन्ग साइड है, 12th रो है। इसको हम ऐसे वाइट का, पहले हम वाइट ये बुन लेते हैं। देखिए वाइट हमने बुन लिया। अब ये जो वन मैरून है ना, इसे भी वाइट बुनेंगे। ठीक, बुनने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो है ये ग्रीन कलर फिर से ऐड होगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पर वन फंदा, यहाँ हम ग्रीन से बुन देंगे। ठीक, देखिए इस तरह बुनने के बाद अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदा हम वाइट से बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदा मैरून से, 1, 2, फिर ये वाइट से, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हम, ये 5 और ये 6 फंदे मैरून से बुनेंगे। अब हमारा आ गया है 13th रो राइट साइड। तो देखिए इसे ध्यान से, तो फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, और जैसे हमने ये 12th रो में बुना था ना, वैसे ही आपको इसमें 13th रो में बुनना है। देखिए अब ये 2 फंदे हमारे मैरून से बुने जाएंगे। देखिए 1, 2, इसके बाद ये वाइट कलर से बुनना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर 1 फंदा ये ग्रीन से बुनेंगे। ठीक, फिर इसके बाद ये वाइट कलर से जितने भी फंदे बचे हैं फ्रेंड्स, इसे हम वाइट कलर से ऐसे बुनेंगे। ये 13th रो राइट साइड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए रॉन्ग साइड है, 14th रो यानी 14 सलाई। ये देखिए इसे हम ऐसे वाइट का हम ऐसे बुन लेंगे पहले। वाइट फंदे बुनने के बाद, सॉरी, देखिए ये फंदा इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये वाइट है ना, इसको हम ग्रीन से बुनेंगे। ठीक, और सभी फंदों को हम ऐसे वाइट कलर से बुन करके कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ये जो है इसे हम ऐसे 14th रो को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमारा ये 15th रो आ गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए 15th रो है, इसमें हम इसे वाइट से बुनते हुए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो फ्रेंड देखिए ये ग्रीन से अब इसको हम बुनेंगे। 1 फंदा ये ग्रीन से बुनेंगे, इसके बाद ये सभी फंदे हम वाइट से ऐसे बुन लेंगे। ठीक ना, इस तरीके से वाइट से बुनते हुए। अब देखिए इसमें केवल 1 फंदा यही आपको बुनेंगे ऐसे। इस तरह ग्रीन से बुन लेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये 16th रो है, अब इसको हम ऐसे वाइट से पहले बुनेंगे। रॉन्ग साइड, अब देखिए इस ग्रीन को हम बुनेंगे, लेकिन इसके आगे वाला जो है ये ग्रीन से बुन लेंगे।
फिर इसके बाद हम पूरी रो को ऐसे वाइट से कंप्लीट करेंगे। ये 16 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये 17 रो है, 17वीं सिलाई है राइट साइड। तो फ्रेंड देखिए ये 16 रो है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर अब देखिए हमने 3 to 5 फंदे बुने। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर से, देखिए ये ग्रीन कलर ले करके हम 1 फंदा बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम वाइट से बुनेंगे, इसके बाद 4 फंदा हम ग्रीन से अगेन बुनेंगे। 1 2 3 4 इसके बाद बचे हुए जितने फंदे हैं इन्हें हमें वाइट से बुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो देखिए हमारा ये रो 17 कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं रो 18, 18वीं सिलाई है और ये डिजाइन पैटर्न का लास्ट रो है। तो फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और ये वाइट से बुनते हुए, पहले हम वाइट कलर का ये बुन लेंगे। ये जो 4 फंदे हैं ना इनको भी हमें बुनना है। देखिए 1 2 3 अब ये जो है 3 फंदे बुनने के बाद ये 1 ग्रीन और ये सेकेंड ग्रीन, फिर इसके बाद पूरी रो को ऐसे सीधा ऐसे उल्टा बुनते हुए पूरी जितने फंदे बचे हुए हैं इसे पूरा बुनेंगे। तो देखिए हमारा ये 18 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स डिजाइन पैटर्न का। तो देखिए प्यारा सा ट्रेन बन करके आया है। अब हम ये 18 रो में ये ट्रेन कंप्लीट हो गया है। अब पूरी रो को ऐसे, देखिए 19 रो है, इसे हम ऐसे सीधा बुनते हुए पूरी रो को ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो को इस तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये 19 रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये डिजाइन ऐसे बन करके आया है। अब इसे आप जो है बनाएं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बच्चों के स्वेटर में। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो ये ट्रेन, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।